आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा दे रहे सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट भी ताल्लुक से मैं रवि तिवारी। दो दिन से हम लोग इस परीक्षा योजना पर लगातार काम कर रहे हैं और इस परीक्षा योजना से संबंधित वीडियोज को और सूचनाओं को लगातार हम लोग अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से संचालित कर रहे हैं और आप लोग इसको देख भी रहे हैं और आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से बहुत सकारात्मक रुख भी अपनाया है। लेकिन कुछ कमेंट कुछ संदेह के रूप में है या कुछ प्रश्नों को लिए हुए हैं अपनी लेखनी में, तो आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं या इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं आपको उत्तर देने वाला हूं, जिससे जो लोग हमारे बैच के सदस्य हैं, पुराने बैच के सदस्य हैं, उनको लाभ होगा। जो नए हमारे बैच से दो दिन में बहुत सारे लोग जुड़े हैं उनको भी लाभ होगा और जो लोग एनटीपीसी की परीक्षा के प्रतिभागी हैं, जो किसी तरह से हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं लेकिन हमारे बैच के सदस्य नहीं है, उनको भी लाभ होगा और इस परीक्षा में जो है आप अच्छा करेंगे। कुछ बातचीत में उन विषयों पर आपसे करना चाहता हूं। मैं एक बार बैच से जुड़ने की प्रक्रिया बता देता हूं और फिर उन महत्वपूर्ण बातों पर आपसे बात करता हूं जो आपके जीवन में और आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उन बातों पर मैं दो मिनट बाद आपसे बात करता हूं, बस दो मिनट हमारे साथ बने रहिए आप। जैसे कि आप जानते हैं 55 दिनों का क्रैश कोर्स है। व्हाट्सएप एंट्री इस नंबर पर, इस नंबर को सेव करके आपको एंट्री एनटीपीसी लिखकर हम लोगों को भेज देना है और हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके भी आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप पर एंट्री एनटीपीसी मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी। मैं एक और चीज बता दूं, इस कोर्स में क्या क्या है। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हम आपको यहां से देंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे पीडीएफ नोट्स हम आपको यहां से प्रोवाइड करेंगे। लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास डेली हम आपको देंगे। 5 से 6 घंटे क्लासेज का मतलब होता है कि लगभग लगभग 3 से 3.5-4 घंटे आपको डेली पढ़ना है। प्रैक्टिस सत्र पूरा, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन आपका होगा और एक अखिल भारतीय स्तर पर टेस्ट सीरीज होगी। ये 4-5 चीजें आपके इस कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो फिर कोई भी मार्केट से आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई पाठ्य सामग्री लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो महत्वपूर्ण और अचूक नोट्स हैं आप उन्हीं से पढ़िएगा। हम आपको प्रैक्टिस सीट भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, हम आपको हल कराएंगे। बाहर का एक भी मटेरियल जो भ्रमित मटेरियल है वो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बैच के पीडीएफ और समस्त नोट्स उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं जिस पैटर्न पर आपका एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होना है, जो CBT 1 और CBT 2 को समर्पित है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बात मैं इस बैच के बारे में आपसे करता हूं, जो कि मैं आपसे लगातार कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कुछ संदेह को आपको दूर कर दूं। जैसे आप में से कुछ लोगों का लगातार संदेह था कि सर बैच पूरा हो जाएगा, क्या पर्याप्त समय है जो हमारा बैच आया है, तो मैं आप सभी लोगों से जो है बता दूं कि बैच में देखिए 55 दिन का समय है। हमें मालूम है कि कैसे आपको पढ़ाना है, कितनी जानकारी हमें आपको प्रेषित करनी है। 16 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने अपनी रिसर्च पूरी की हुई है और हम लोगों ने टॉपिक छांटे हुए हैं कि रेलवे किन टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछता है। देखिए प्रत्येक जो परीक्षा होती है उस परीक्षा का अपना एक नेचर होता है और उस प्रकृति पर ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो रेलवे की अपनी एक प्रकृति है। अब रेलवे के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा अंकगणित, पूरा रीजनिंग और पूरा करंट अफेयर्स और सब कुछ आपको पढ़ना है। जब आपके पास समय होता है, देखिए क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि क्रैश कोर्स अगर किसी विषय के लिए लाया जाए तो क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि जिस परीक्षा के लिए हम उस क्रैश कोर्स को लाए हैं वो क्रैश कोर्स उसी परीक्षा से ओरिएंटेड है। जब हम कोई कंबाइंड या कोई फाउंडेशन बैच चलाते हैं किसी परीक्षा के लिए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का हमने जो पहला बैच चलाया उसमें जब आपने पढ़ा तो हमारे पास समय था, हमने आपको इतना पढ़ा दिया कि आप आसपास की परीक्षाओं को भी आराम से जो है पास कर सकते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ाया, 4 महीने हम लोगों ने उस बैच को आपको पढ़ाया, 1-1.5 महीने लगातार उसमें प्रैक्टिस चली, तो इतने सारे कंटेंट हमने आपको दे दिए। जब बैच वो समाप्त हो गया तो आप लोगों ने कहा सर ये भी पढ़ा दीजिए, हम लोग कुछ लोग बैंक का पेपर दे रहे हैं, तो हम लोग उसको पढ़ाते रहे। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका आता तो नहीं है, तो जब किसी भी परीक्षा से संबंधित क्रैश कोर्स को हम लाते हैं तो हमारा मतलब केवल इतना है कि उस परीक्षा की प्रकृति और मापदंड को केंद्र में रखकर आवश्यकता अनुसार हम उतना ही आपको जो है प्रेषित करते हैं जितना आपको जरूरत है, वीडियो क्लासेस के माध्यम से और पीडीएफ नोट्स के माध्यम से। दूसरी बात, आपके मन में जो ये संदेह था कि सर समय से पहले ये पेज पूर्ण हो जाएगा, तो 55 दिन का ये समय है, मैं पूरी वादा करता हूं, पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, 45 दिन में हम लोग डाउट क्लास के साथ इस कोर्स को पूरा कर लेंगे और आप
ये निर्णय अगर लेते हैं कि आप हमारे संस्थान के सदस्य होने चल रहे हैं, तो 45 दिन बाद, जैसे आज आप सकारात्मक कमेंट्स की बहुत सारी लिस्ट देखते हैं कि हमने जब एडमिशन लिया इससे पहले हम क्या थे और इससे बाद में हम क्या हुए, तो वो लिस्ट ऐसे ही नहीं कोई लिखता, ऐसे ही कोई आपको 700, 800 और 1000 फीडबैक सकारात्मक नहीं दे सकता। हम लोग लगातार दिन रात मेहनत करते हैं आपके साथ, जो जूनियर असिस्टेंट के लोग देख रहे हैं, जो लोअर पीसीएस के लोग देख रहे हैं, जो यूपी टेट के लोग देख रहे हैं, जो पुराने सुपर टेट और यूपी टेट के लोग देख रहे हैं, जो पुराने एनटीपीसी के लोग देख रहे हैं, ये और जो यूपीपी के लोग देख रहे हैं, जो यूपीएसआई के हमारे सदस्य देख रहे हैं, जितने बैच हमने आपको गिनवाए हैं, ये वो बैच है जिनको हमने 100% पूर्ण किया है और जिनके एग्जाम हुए हैं उनके 100% प्रश्न हमारी क्लास से और हम लोगों के क्लास नोट से आए हैं। ये ऐसे ही नहीं कि कोई चीज हमने आपसे कह दी, मैं दावा कर रहा हूं लाइव क्लास में, मैं आपको जब बता रहा हूं तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो कमेंट भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टीम अगर आपसे कुछ लेती है तो उसके एवज में आपको बहुत कुछ देती है। दिन रात टीम के सदस्य लगे रहते हैं, रिसर्च करने पे लगे रहते हैं, आपके नोट्स बनाने पे लगे रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको अलग भेजते हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको अलग भेजते हैं, प्रत्येक दिन का करंट आपको कलेक्ट करके करंट दिया जाता है, अपडेटेड करंट दिया जाता है, सब कुछ जो एक बैच में होना चाहिए वो सब कुछ दिया जाता है। हम एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लाइव इंटरेक्शन करते हैं, एक भी पुरानी क्लास आपको नहीं देते। तो ये जो डाउट आपके मन में है, जो संदेह आपके मन में है, ये पूरी जिम्मेदारी से आप उस संदेह को निकालिए और जो भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, जो प्रीवियस बैच के सदस्य हैं, उनके कमेंट्स को आप, उनके रिव्यू को आप अपना आधार बना के आप अपना निर्णय लें। ये निर्णय आपका जीवन बदल सकता है और आपके जीवन में माइलस्टोन निर्णय हो सकता है और आपके जीवन की प्रकृति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एवरीवन डोर्स एट वंस, आपने हजारों बार सुना है, लेकिन कभी अपने ऊपर प्रयोग करके उस चीज को देखिए कि शायद ये वही अवसर तो नहीं है आपके पास। आप घर बैठे हैं, आप दूर सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, हम उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ आपको आपके घर, गांव, जहां पर आप हैं वहां पर हम कुछ फीस लेके हम आपको जो है सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पूछा सर 55 दिन का क्रैश कोर्स, 55 दिन बहुत है, आपने कहा पूरा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं 100% पूरा होगा, 100% पूरा होगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। देखिए एनटीपीसी की परीक्षा का जो नेचर है, अगर आप घर बैठे भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप हमारे संस्थान के सदस्य नहीं है, सपोज करिए, तो भी मैं आपको कुछ सुझाव प्रेषित करता हूं। देखिए जो लोग संस्थान से जुड़ चुके हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, आपको किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग दूर सुदूर क्षेत्र से हम लोगों को देख रहे हैं, पूरी ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहूं, देखिए एनटीपीसी का एक नेचर है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में से मान लीजिए वो 100% है, तो 100% वो टॉपिक है, वो पूरे टॉपिक का विस्तार 100% है। किसी भी परीक्षा के लिए आपको केवल उसमें से 20% पढ़ना होता है उस परीक्षा की प्रतिकृति के हिसाब से। क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन से 80% को आपको नहीं पढ़ना है। ये मेहनत जब आपकी नहीं होती तो जो बचा हुआ समय होता है उस समय को आप अच्छे से प्रैक्टिस सेशन और डाउट क्लास पे देते हैं और उसी 20% को आप अपना 100% समझ के पढ़ते हैं, जैसे कि आपने इंटर और हाई स्कूल में किया था। आपने पूरी फिजिक्स की किताब नहीं पढ़ी थी, बल्कि आपने फिजिक्स की किताब के बहुत छोटे से हिस्से को 100% मानकर मॉडल या टेस्ट पेपर के रूप में पढ़ा था और आपके जो है आज 65 और 70% नंबर है, आप प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हमने फिजिक्स पढ़ा था क्योंकि कुमार मित्तल की किताब इतनी मोटी थी। हम जब लास्ट समय तक जाते हैं तो हम वही पढ़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें महत्वपूर्ण लगता है। कोई भी व्यक्ति कभी किसी परीक्षा में पास होता है तो वो 100% उसका कभी नहीं पढ़ सकता। कोई नहीं कह सकता कि हमने सिलेबस पूरा करके पढ़ लिया, बल्कि उस दिन के हिसाब तक जब उसको अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, उसको अच्छे साथी मिलते हैं, उसको अच्छे सीनियर्स मिलते हैं और वो उसको सजेस्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिन लोगों का सटीक मार्गदर्शन होता है, आपने देखा कि वो एक ही वर्ष में नौकरी ले लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 10 वर्ष पढ़ाई करते रहते हैं और उनकी नौकरी नहीं लगती। बुद्धिमान तो वो बहुत हो जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो टाइम के साथ नहीं है। टाइम के साथ पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। टाइम के साथ पढ़ाई होने से हमारा आशा ये होता है कि अगर हम तय कर लें कि कितने सिलेबस हमारा जरूरी है और कितने सिलेबस को हमको पढ़ना है,
तो हम उसको मजबूत कर सकते हैं, हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और तरीके तरीके से हम उसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सपोज करिए किसी पेपर में रीजनिंग से 20 प्रश्न आए और 20 प्रश्न में करने में आपको 50 मिनट का समय लग रहा है, मैं एक विषय की बात कर रहा हूं, तो आप मुझको एक बात बताइए कि ज्ञान तो आपको भरपूर है क्योंकि आप 20 मिनट में 50 प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो ज्ञान की तो कोई कमी यहां पे आपके अंदर नहीं है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप 20 मिनट में 50 प्रश्न कर रहे हैं तो वो ज्ञान आपका टाइम के साथ नहीं है, क्योंकि आपके नेचर के हिसाब से आपको 30 प्रश्न को 15 मिनट में हल करना चाहिए, तभी आप पूरे पेपर को हल कर पाएंगे। तो जहां पर लोग आपको पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, हम आपको पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे, हम आपको ये सिखा रहे हैं किस पाठ्यक्रम के कितने हिस्से को आपको 30 प्रश्नों तक 15 मिनट में कैसे पहुंचना है, हम आपको वो तरीके सिखा रहे हैं इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो किसी भी प्रकार के संदेह को आप अपने अंदर ना रखें, आप में पूरी जिम्मेदारी से आप सभी लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं, भरोसा रखते हुए 55 दिन आप हमारे अपने हमको समर्पित करिए और 55 दिन के बाद आप जो परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई में और जो भी कमियां होंगी, हम लोग निश्चित रूप से विस्तार से उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रवेश प्रक्रियाएं लगातार खुली हुई हैं, आप प्रवेश को जो है प्रवेश प्रक्रिया लगातार खुली हुई है, आप प्रवेश ले सकते हैं, प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में जो है वीडियो में बता चुका हूं, नीचे स्क्रॉलिंग पर भी प्रवेश प्रक्रिया लगातार आपकी चल रही है। लगातार कल परसों से मैं और भी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की मदद के लिए इसी प्रकार हाजिर होता रहूंगा, आप लोगों को बता रहूंगा। सभी सदस्य जो देख रहे हैं, आप सभी सदस्यों का सम्मान है। हाँ, मैं एक लास्ट सुझाव आप लोगों को जरूर दूंगा, जो सदस्य बैच से नहीं जुड़ रहे हैं वो कैसे इस चीज को समझे, तो आप पिछले 16 वर्ष का घटना चक्र लेकर और उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न जो है आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी आपसे पूछता है। 2012 से लेकर 2016 तक के सभी अगर आप प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि परसेंटेज में अगर हमें पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पढ़ना है, क्लॉक में कितना पढ़ना है, कैलेंडर में कितना पढ़ना है, डाइस में कितना पढ़ना है और लॉजिकल रीजनिंग में कितना पढ़ना है, वहां से आप एक आकलन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये सब रिसर्च हम आपको करके प्रोवाइड करेंगे। अभी 2-4 दिन में मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन सभी सदस्यों की सहायता होगी जो इसको देख रहे हैं और मैं इन डिटेल्स वाइज इन टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी समर्पित करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि करंट जो मैं आपको तैयार कराऊंगा उस करंट को आप लोगों को कैसे पढ़ना है। जो हमारे बैच के सदस्य होने चल रहे हैं उन सभी लोगों को साधुवाद। 2 दिन में ढेर सारे लोगों ने आप लोगों ने एडमिशन लिया है, अगले दो तीन दिन में हम आपकी कक्षाओं को प्रारंभ कर देंगे निश्चित रूप से। बाकी सभी सदस्य जो हमारे साथ हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर बने हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का सम्मान है। हमारे द्वारा कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों को ऐसी जरूर प्रेषित की जाएगी जो आप लोगों के लिए लाभदायक होगी और आपकी तैयारी को अंतिम दिशा तक जरूर ले जाएगी। हमारा हमेशा ऐसा प्रयास रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।